ये राजपूत समाज बिल्कुल भी नहीं था, ये मुगल पूतों का भेजा हुआ मुगलिया संतलत था, जो कि यादवों के घर में घुसकर मुगलिया संतलत का परचम लहरा दिया। ये महाराणा प्रताप के वंशज नहीं हो सकते, ये मान सिंह के वंशज हो सकते हैं, ये जोधाबाई की कटिहार में कटिहार नरसंहार यादवों का नरसंहार हुआ था। तो क्या यादव ने इस तरह का अति कर दिया था क्या? क्या यादव ने पूरे समाज को तहस नहस कर दिया था? क्या इस देश में यदुवंशी सेना नहीं है? क्यों यार, क्यों राजपूत सेना यदुवंशी सेना करनी सेना क्यों आपस में लड़ेंगे यार? मत लड़ाओ यार, इनको मत लड़ाओ, आपस में मिलजुल करो मेरे भाई, और समस्त यादव समाज को खींच लो, समस्त राजपूत समाज को खींच लो और लड़ जाओ आपस में, मारकाट कर लो। ये क्या यही इंसानियत है? क्या यही राजपूताना है? क्या यही यदुवंशी है? क्या यही अहिरण पावर है? क्या यही राजपूताना पावर है? किन्हीं की बातों में आकर विश्वास ना करे और दंगे ना करे यार। ये जातियों की लड़ाई नहीं हो सकती भाई, ये यादव और राजपूत की लड़ाई नहीं हो सकती। दो हरामियों की लड़ाई हो सकती है, दो चूतियों की लड़ाई हो सकती है, दो दरिंदों की लड़ाई हो सकती है, लेकिन ये दो जातियों की लड़ाई मत नहीं हो सकती यार, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती भाई। जातियों की लड़ाई मत लड़ो यार, देश में हमारा हिंदुस्तान है भाई। क्या मतलब रघुवंशी यदुवंशी आपस में लड़ रहे हैं भाई? कहाँ तो कोई हिंदू राष्ट्र की बात करते हो यार आप लोग, और कहाँ देश में जातियों की लड़ाई लड़ रहे हो? क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई, कुछ नहीं हो सकता है। आपस में ही लड़के मर के कट जाओ, बाकी हमें कुछ नहीं कहना है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज का वीडियो एक घटना के ऊपर है, जो कि छपरा में मांझी थाना के अंतर्गत मुबारकपुर गाँव की है। मैंने फेसबुक पेज पर एक वीडियो देखा, जो पेज का नाम है क्रिएटर बबुआ और उनके होस्ट का नाम है राणा दीपू सिंह। वो इस वीडियो में कहते नज़र आ रहे हैं कि मुबारकपुर गांव में यादव और राजपूत के बीच संघर्षों की लड़ाई होती रहती है, और उनका कहना है कि तीन राजपूत भाई खेत की सिंचाई करने के लिए बाहर निकले थे, और वहां के जो मुखिया हैं विजय यादव ने कुछ लोगों को साथ में गिरोह लिया और उन पे हमला कर दिया और उनको खूब मारा पीटा, तीन आदमी में, उनमें से शायद एक आदमी की मृत्यु भी हो गई है और दो आदमी हॉस्पिटल में हैं। और राणा दीपू सिंह का कहना है कि विजय यादव ने अपने ही लड़कों से अपने मुर्गी फार्म पे गोलियां चलवाई और उसके बाद उन्होंने तीन राजपूतों को पकड़ा और उन्होंने खूब पिटाई की। और दोस्तों, इतनी ही बातों के बल पर, इतनी ही बातों को सुनकर उन्होंने समस्त राजपूत समाज को भड़काने का काम किया है। उन्होंने इस वीडियो में बाकायदा ये भी कहा है कि कहाँ है करनी सेना, कहाँ है राजपूत सेना, जो कि बड़ी बड़ी बातें करती है। और अभी आपके यहाँ पर जात का यहाँ पर मर्डर किया गया है, नरसंहार किया गया है, आइए बदला लीजिए और बताइए कि राजपूत में कितना दम है, मतलब इस तरीके से वो बोल रहे हैं वीडियो में। दोस्तों, अब तक जो आप सुन रहे थे ये राणा दीपू सिंह का कहना था, इनके कहने पर समस्त राजपूत समाज भड़क गए। अब जो आप सुनेंगे ये विजय यादव का कहना है, जो कि मुखिया है वहाँ के। विजय यादव के घर वालों ने, उनके घर के आसपास के लोगों ने कहा कि राजपूत समाज के करीब 1000 से 1500 लोग आए और विजय यादव के मुर्गी फार्म पर हमला किया, गोलियों की बौछार कर दी। तो ग्रामीणों ने, वहाँ के ग्रामीण के अगल बगल के लोगों ने करीब तीन लोगों को पकड़ लिया और उनमें से पूरा मारपीट किया। इस बात सच है दोस्तों, मारपीट उन्होंने इसलिए किया कि वो लोग गोले चलाए और करीब 20 से 30 लाख की संपत्ति का उन्होंने नष्ट कर दिया भाई, नष्ट कर दिया यार, पता है यार ऐसे। और महिलाओं पर भी वार कर दिया उन्होंने। दोस्तों, इस विवाद में पुलिस अपना काम कर रही थी और हत्यारों को खोज रही थी कि किसकी गलती है, क्या है, सब लोग पुलिस चार्जशीट अपना जारी कर रही थी, क्या करना है नहीं करना है। उसके बीच राणा दीपू सिंह ने एक वीडियो बनाया, जो कि आप जिस वीडियो के बारे में मैंने बकायदा आपको बताया, उस वीडियो के कारण समस्त राजपूत समाज भड़क गए और आकर इस तरह का दंगा कर दिए। सिर्फ एक वीडियो के कारण ये वायलेंस हुआ और 20 से 30 लाख की संपत्ति जला दी गई मुखिया विजय यादव जी का। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, दोस्तों आप किन्हीं की बातों में आकर विश्वास ना करें और दंगे ना करें यार। ये जातियों की लड़ाई नहीं हो सकती भाई, ये यादव और राजपूत की लड़ाई नहीं हो सकती, ये दो हरामियों की लड़ाई हो सकती है, दो चूतियों की लड़ाई हो सकती है, दो दरिंदों की लड़ाई हो सकती है, लेकिन ये दो जातियों की लड़ाई मत नहीं हो सकती यार, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती भाई। जातियों की लड़ाई मत लड़ो यार, देश में हमारा हिंदुस्तान है भाई, हिंदुस्तान में जातियों की लड़ाई ना लड़ो भाई, मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से यार। क्या फ़ायदा है इससे, ऐसे दंगे होने से, एक वीडियो के कारण आप लोग भड़क जा रहे हो यार। आपको पता है इस वीडियो के कारण वो लोग करीब 1500-2000 की संख्या में और महिलाओं पर भी वार किया। महिलाएं जो है ना, वो घर में घुसकर ताला बंद करके अंदर थी, ताकि ये लोग हम पे हमला ना कर दें यार। राजपूतों का ये काम होता है? ये काम पक्का किसी मुगल पोतों का हो सकता है, ये राजपूतों का काम नहीं हो सकता। ये खोजत रहो, लेकिन हम से ताला हमारे अपना अपना घर में रहने, इज्जत के चलते
जितना आप बताइए दोस्तों, आप जो भी मेरे यादपुत जो भी यहाँ पर राजपूत समाज वीडियो को देख रहे हैं, आप बताइए क्या आप लोगों का ये काम है किसी महिलाओं की इज्जत को आप लूटेंगे? वहाँ पर समस्त राजपूत समाज, समस्त यादव समाज की औरतें जो है घर में ताला बंद कर घुस गई थी कि ये लोग हमारा इज्जत पे कोई बात ना आ जाए। ऐसे कैसे होता भाई? मुझे तो ऐसा लगता है कि यार ये क्या बोलते हैं ना, ये राजपूत समाज बिल्कुल भी नहीं था, ये मुगल पूतों का भेजा हुआ मुगलिया संतलत था जो कि यादवों के घर में घुसकर मुगलिया संतलत का परचम लहरा दिया। आप लोग मुगलिया संतलत का परचम लहराना चाहते हो? ये महाराणा प्रताप के वंशज नहीं हो सकते, ये मान सिंह के वंशज हो सकते हैं, ये जोधाबाई की वंशज। क्या कह सकते यार आप लोगों को, मैं क्या कह सकता हूँ भाई, ये हिंदुस्तान है यार, हिंदुस्तान में जातियों की लड़ाई मत लड़ो भाई, भाई भाई मिलकर रहो यार। क्या मतलब है आप लोग आपस में लड़ रहे हो यार, मतलब भाई विवाद कर रहे हो यार क्या भाई? राणा दीपू सिंह यार आपको पहले यार आप पुलिस को तो काम करने दो यार। कुछ इसी तरह का विवाद हुआ था भाई कटिहार में, कटिहार नरसंहार, यादवों का नरसंहार हुआ था, तो क्या यादव ने इस तरह का अथी कर दिया था क्या? क्या यादव ने पूरे समाज को तहस नहस कर दिया था? वहां जाकर कई पत्रकार वीडियो बनाए और सरकार तक आवाज उठाया, क्या तेजस्वी यादव ने कोई स्टैंड ले लिया? नहीं लिया यार। वहां पर पुलिस ने चेक किया और उन्होंने कहा दो अपराधियों की लड़ाई है, हो गई लड़ाई है। वहां पर जातियों की लड़ाई भी, वहां पर भी बहुत लोग जातियों की बात कर रहे थे और यहां भी बात कर रहे हैं यार, गजब बात है यार। यहाँ पे पता है पत्रकार भी बहुत जातिवादी हो गए। अब देखिए क्रिएटर बाबा को देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर समस्त राजपूत समाज को भड़काने का काम किया इन्होंने। जब तक इनका वीडियो फेसबुक पेज पर नहीं आया था तब तक ये विवाद मतलब शांति से था, औरतें अपना काम कर रही थी, राजपूत समाज भी अपना काम कर रहा था और यादव समाज भी अपना काम कर रहा था, सरकार पर सबको भरोसा था। जैसे इन्होंने वीडियो डाला और समस्त कर्णी सेना राजपूत सेना भड़क गई। क्या आपको नहीं लगता क्या इस देश में यदुवंशी सेना नहीं है? नहीं है यदुवंशी सेना, आप लोग इस तरह का विवाद कर रहे हो। अगर यदुवंशी सेना अपने आप पर आ गए तो फिर क्या हो सकता है आपको पता है? क्यों यार, क्यों राजपूत सेना, यदुवंशी सेना, करनी सेना क्यों आपस में लड़ेंगे यार? मत लड़ाओ यार इनको, मत लड़ाओ, आपस में मिलजुल करो मेरे भाई, मिलजुल करो यार। मैं ये जो तीन हत्या हुई है, मैं इनके घोर खिलाफ हूँ, लेकिन विजय यादव के घर वालों का, परिजनों का कहना है कि वो लोग हमारे मुर्गी फार्म पर गोली चलाए और समस्त मुर्गी फार्म को जला दिया, इसके आवेश में उन्होंने मर्डर कर दिया। मुझे पता, अगर उन्होंने ये मर्डर किया भी होगा तो उनको हत्या करने का अधिकार नहीं है, यादवों को हत्या करने का अधिकार नहीं, किसी को भी हत्या करने का अधिकार नहीं है दोस्तों। उनको अपना काम करना, पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए था, इस तरह से नहीं मारना चाहिए। मैं इनका घोर विरोध करता हूँ यादवों का, अगर आपने मिलकर इन लोगों को मारा है तो मैं आपका घोर विरोध करता हूँ। यादवों का भी ऐसा काम नहीं सोचता है, दादा कृष्ण के वंशज जो आप लोग ऐसा काम करते हो, घटिया काम करते हो, किसी को जान से नहीं मारना चाहिए था आप लोगों को। क्या मतलब है रघुवंशी यदुवंशी आपस में लड़ रहे हैं भाई? नहीं यार, ऐसे ऐसे देश नहीं चल सकता भाई, देश नहीं चल सकता ऐसे यार। आप लोग आपस में लड़ोगे यार, कहां तो कोई हिंदू राष्ट्र की बात करते हो यार आप लोग, और कहां देश में जातियों की लड़ाई लड़ रहे हो? क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई, कुछ नहीं हो सकता है। आपस में ही लड़ के मर के कट जाओ, बाकी हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन हम लास्ट में आपसे ये कहेंगे यार कि जातियों की लड़ाई मत लड़ो और किसी भी विवाद को जातियों का मोर मत दो यार। दो हरामियों, दो दोगले, दो चूतिये, दो दरिंदे की लड़ाई हो सकती है, लेकिन दो राजपूत, दो यादव समाज की लड़ाई नहीं हो सकती भाई। ये चूतिये, दरिंदे, हरामी राजपूत में भी हो सकते हैं, ये यादव में भी हो सकते हैं, ये लोग आपस में लड़ रहे तो यार हमें जातियों का क्या लेना भाई? हम जातियों की लड़ाई क्यों लड़े, इन चूतियों के फेर में हम क्यों लड़े भाई? हो सकता है इसी टाइप का कुछ गिरोह हो जो राजपूत में भी अपने आप को दबंग दिखाता हो, हो सकता है इसी टाइप का कुछ राजपूत में चुतिया हो और यादव में भी चुतिया हो जो अपने आप को दबंग दिखाता हो, और इसी दबंगई में दोनों लड़ गए और समस्त यादव समाज को खींच लो, समस्त राजपूत समाज को खींच लो और लड़ जाओ आपस में, मारकाट कर लो। ये क्या यही इंसानियत है? क्या यही राजपूताना है? क्या यही यदुवंशी है? क्या यही अहिरण पावर है? क्या यही राजपूताना पावर है? किसी अबला स्त्री पर वार करोगे आप लोग? भाई बहुत दुख होता है यार, बहुत दुख होता है। बाकी हमें कुछ नहीं कहना है। जय हिंद दोस्तों,
बाकी आप लोग हमें, आप लोग से हम जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं राजपूत समाज आदर्शों का, हम आपसे अपील करते हैं कि सरकार के कानूनों का वेट कीजिए। सरकार क्या करती है, पुलिस क्या करती है, सब पुलिस काम करेगी भाई, सब काम करेगी, पुलिस से भरोसा रखिए। बिहार का सरकार इतना घटिया नहीं है, देश का प्रधानमंत्री इतना घटिया नहीं है, सब काम करेगी। और विश्वास रखिए प्रशासन, विश्वास की, क्योंकि प्रशासन ही हमें अपना अधिकार देती है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।